दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, बहुत दिनों से मतलब कि 4-5 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, और कारण यही था कि फ्रेंड्स मैं कुछ चीज़ों में व्यस्त हूँ, कुछ चीज़ों मतलब कि मैं कुछ नया करने वाला हूँ, तो आप लोगों के बीच वो चीज़ मैं लेके ज़रूर आऊँगा, तो उसके लिए थोड़ा सा भी समय लगेगा, तो उसी के पीछे मैं लगा हुआ हूँ। जैसे ही होता है मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को भी शेयर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो मैं कोशिश करूँगा अब वीडियो आए हमेशा आए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप पीछे देख सकते हैं, मैं इनके लिए नेस्टिंग बॉक्स बनवाने वाला हूँ, तो ये मैंने बनवा लिया है। तो अभी फ़िलहाल इसके बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे। एक्चुअली हम आज देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो एग्जॉस्ट फैन हम लगाने वाले थे तो उस पर आज हम काम करने वाले हैं। मतलब कि आज मैं एग्जॉस्ट फैन फिट करने वाला हूँ और मैं खुद से करूँगा इस चीज़ को। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को अगर मैं बुलाता हूँ तो वो 400-500 तक ले ही लेगा इसको सिर्फ फिट करने के लिए। तो इट्स बेटर कि मैं खुद करूँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि एंकर का मैंने एग्जॉस्ट फैन लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी यहाँ पे, ये एंकर का है बाय पैनासोनिक अनमोल एग्जॉस्ट फैन। तो ये 12 इंच का मैंने लिया हुआ है। दोस्तों ये जो एग्जॉस्ट फैन है ये मुझे लगभग 1250 रुपये पड़ा, और अगर हम लोकल में जाते हैं तो लोकल में और भी मतलब कि कम रेट का हमें मिल जाता, बट इसमें 2 साल का वारंटी है। मैंने सोचा कि भाई अगर लोकल लेते हैं कुछ ख़राब होता है तो फिर वारंटी नहीं है, फिर आप मतलब कि रिप्लेस भी नहीं करा सकते हो, तो बेटर है कि 200-400 अगर आप ज़्यादा दे दो, और अगर वारंटी वाला अगर आपको मिलता है तो वारंटी वाला चीज़ ही लेना चाहिए, ताकि मतलब उसका सर्विस हमको मिल सके। तो फ्रेंड्स पहले हम एग्जॉस्ट फैन को यहाँ से निकालते हैं बाहर, और उसके बाद वहाँ पे उस साइज़ का कटिंग करेंगे। उस साइज़ का कटिंग नहीं करेंगे, उससे छोटा कटिंग करेंगे, ताकि एग्जॉस्ट फैन हमारा वहाँ फिट हो जाए। तो फ्रेंड्स कटिंग हम प्रॉपरली करेंगे, अदरवाइज़ वॉल अगर गिर गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से उसको मतलब कि एक एक करके निकालें, जो भी मतलब कि ब्रिक्स हैं, जो भी ईंटा है उसको सही से हम निकालें बाहर, और उसके बाद एग्जॉस्ट फैन को हम उसमें फिट करने वाला है। दोस्तों हम एग्जॉस्ट फैन क्यों डाल रहे हैं, तो ये कारण आपको पता होगा, आपने अगर पिछले वीडियोस मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा, उस वॉल में विंडो नहीं है, मतलब कि खिड़की उस वॉल में नहीं है, और हवा का जो है मतलब कि आना जाना सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण जो भी गैस है वो ऊपर ही बन के रह जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्जॉस्ट फैन लगाऊँ, मतलब कि जो भी एमोनिया बन रहा है वो बाहर निकले और हमारे फार्म पे कोई भी बीमारी ना आए। दोस्तों अगर देखा जाए तो मेरे फार्म पे कोई अमोनिया गैस नहीं बन रहा है, क्योंकि लीटर नहीं है, ठीक है, और जो भी बीट होता है वो सूख जाते हैं, उसको मैं बाहर कर देता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ऐसा है कि उस साइड विंडो नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रॉब्लम हो सकता है कि गैस बन जाता होगा। रात में जब मैं सुबह आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर मतलब थोड़ा गैस बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी कारण हो सकता है, तो इसलिए मैं एग्जॉस्ट फैन डाल रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके फार्म पे भी अगर अमोनिया गैस अगर बन रहा है, लीटर आपने डाला हुआ है उसके बाद भी अगर अमोनिया गैस आपके फार्म पे बन रहा है, तो ऐसे ही एग्जॉस्ट फैन आप डाल सकते हो। मतलब कि आपके विंडो होंगे दोनों साइड, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस साइड में कहीं भी आप एग्जॉस्ट फैन डाल सकते हो। एग्जॉस्ट फैन का बहुत मतलब कि बेनिफिट है, रात पे आप उसे चलाओ तो जो भी अंदर गैस बनता है वो गैस नहीं बनेगा। दोस्तों कमेंट में बहुत सारे मतलब सवाल भी आ रहे थे कि अमोनिया गैस को हम कम कैसे करें, तो फ्रेंड्स अमोनिया गैस को हम कम कर सकते हैं एग्जॉस्ट फैन लगा के, जो मैं अभी लगाने वाला हूँ उस तरह से आप एग्जॉस्ट फैन को लगा के कम कर सकते हैं। दूसरा है कि जो भी आपका लीटर है, अगर लीटर गीला हो गया तो लीटर को आप चेंज कर दें, उससे भी अमोनिया नहीं बनेगा। और दूसरा है कि आप चूना का छिड़काव करते रहें, उससे भी क्या होता है कि अमोनिया बनने का चांसेस जो है कम रहता है। आप लीटर सिंपल है, आप लीटर को ड्राई रखिए, अमोनिया गैस नहीं बनेगा। अगर लीटर गीला रहेगा तो अमोनिया गैस बनना लाजिम है। तो चलिए जल्दी से हम एग्जॉस्ट फैन को फिट कर लेते हैं।
दोस्तों मैं इस आई ग्लास का यूज़ करने वाला हूँ ताकि डस्ट जो है अंदर ना जाए। तो आप भी अगर कभी अगर डस्ट का काम कर रहे हो तो आई ग्लास ज़रूर लगाएं अपने आँखों के बचाव के लिए। दोस्तों हमारा जो होल है वो रेडी है, थोड़ा सा छोटा होल है बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाकी रह गया है फ्रेंड्स स्क्रू मतलब कि ड्रिल करना है ताकि इसे हम फिक्स कर सकें वॉल। तो जल्दी से ड्रिल भी कर लेता हूँ और इसको हम फाइनली फिक्स भी कर देते हैं जल्दी से। दोस्तों फाइनली एग्जॉस्ट फैन का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ कनेक्शन बाकी है मतलब कि सप्लाई देना बाकी है। जैसे ही हम सप्लाई देते हैं हमारा एग्जॉस्ट फैन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स आज रात हमारा एग्जॉस्ट फैन काम करेगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से हम सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा एग्जॉस्ट फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दोस्तों फाइनली हमारा एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल होके उसमें सप्लाई भी मतलब हो गया है और हमारा एग्जॉस्ट फैन चलना स्टार्ट भी हो चुका है। दोस्तों एग्जॉस्ट फैन जो है ये 5 मिनट से चल रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत मुझे चेंज लग रहा है अंदर जैसा लगता था पहले। मतलब पहले क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होता था, अभी 5 मिनट में ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है एनवायरनमेंट अंदर का, तो बेटर है, अच्छा है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है वो मतलब कि काम करे, जो भी गैस है वो निकलता रहे बाहर। और ऐसे दुआ कीजिएगा मेरे फार्म के लिए कि मेरे फार्म पे जो है बीमारी अब दोबारा नहीं आए। दोस्तों फाइनली एग्जॉस्ट फैन मैंने लगा दिया। दोस्तों कुछ भी चीज़ मतलब खुद से अगर करते हैं ना तो मतलब अंदर से एक अलग सी खुशी होती है। यही अगर मैं किसी को बोलता कि भाई कोई इलेक्ट्रिशियन को बुला के लेके आता और बोलता कि भाई एग्जॉस्ट फैन लगा दो तो वो लगा के चला जाता, 300-400 रुपये लेके भी चला जाता, बट वो खुशी नहीं होता कि हाँ इसमें मतलब कि एक अलग सा खुशी होता है कि मैंने लगाया है, आई डिड इट। तो फ्रेंड्स अगर घर पे अगर कोई अगर छोटा मोटा अगर ऐसा काम हो तो खुद से करने का कोशिश कीजिए, अच्छा फील होता है अंदर से, लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया। तो अभी वैसा मुझे फील हो रहा है कि चलो मैंने कुछ तो किया, ठीक है। और फ्रेंड्स ये तो आपने देख ही लिया है, इसके बारे में आज हम बात नहीं करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे फार्म के लिए बस दुआ कीजिएगा और दोबारा ऐसा बीमारी उमारी नहीं आए और ऐसे मेरा मतलब फार्म जो है ग्रो करता रहे। और चैनल तो ग्रो हमारा कर ही रहा है, हमारे जो फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे मेंबर्स बढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर कोई सवाल हो मुर्गी पालन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ज़्यादातर कमेंट्स का मैं रिप्लाई देता हूँ, जो मतलब कि नहीं हो पाता जब बिज़ी रहता हूँ तो नहीं दे पाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। तो अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मेरा हुलिया आप देख सकते हो पूरा मतलब कि पसीना पसीना हो गया हूँ और मुझे भी जाके फ्रेश होना होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आप हमेशा देख पाओ। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।